अस्सलाम वालेकुम, मैं हफीज ताहिर, दिल से दिल तक, फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। दोस्तों, पिछले दिनों हमारी बहुत अच्छी अजीज दोस्त, बहुत अच्छी शायरा, शानदार सहाफ़ी खातून, मोहब्बत करने वाली माँ और अपने खामंद के इश्क में ज़िंदगी गुजार देने वाली रुखसाना नूर इस दुनिया से चली गई, मगर उस सब के दिलों में अपनी याद का जो परताव छोड़ गई, वो हमारी, हम सब की, उससे प्यार करने वाले सब लोगों की ज़िंदगी में हमेशा उनके साथ रहेगा। और उसका एक शफीक मोहब्बत भरा अक्स हम सब लोगों के आईनों में हमेशा चमका करेगा। ये जो प्रोग्रामों की एक सीरीज़ मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ, इसका मकसद रुखसाना नूर का मातम करना नहीं है। रुखसाना नूर ने एक बहुत शानदार ज़िंदगी गुजारी, बेवफाइयों से टक्कर ली, दगाबाजियों का मुकाबला किया, बच्चों को पाला, अपने खामत से अपनी मोहब्बत निभाई, दोस्तों के साथ दोस्ती निभाई। वो 15 साल से कैंसर के साथ नबर्द आजमा थी, मगर मेरी उनसे आखिरी मुलाकात तक इतनी पुरमीज खातून जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ऐसी खातून की ज़िंदगी को, ऐसी औरत की ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे खिराज अकीदत पेश करना चाहिए। आज का ये गुफ्तगु जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनकी गुफ्तगु और जो मैं गुफ्तगु आपसे करूँगा, वो रुखसाना नूर के लिए एक ट्रिब्यूट है। आज की इस गुफ्तगु में भी और आने वाले चंद अतवारों की गुफ्तगु में भी, आइए रुखसाना नूर अपने बारे में क्या कहती हैं। अपनी नजरों के ये पैमान यही रहने दो, तेरे किस काम ये सामान यही रहने दो। ये रुखसाना नूर की पहली किताब है इल्हाम, इसमें वो अपने बारे में क्या लिखती हैं। अपने बारे में मुझे अगर कुछ लिखना होता तो उसी वक्त लिखती तो क्या खूब था, जब इल्हाम का मसव्वदा तैयार हो चुका था। और फिर तकरीबन 150 के करीब नज़मों में से मैंने तकरीबन 90 के करीब नज़मों का इंतखाब किया था। किताब तैयार थी, मगर मुझे इल्हाम को छापने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हफीज़ ताहिर ने मुसव्वदे की कंपोजिंग करवाना शुरू की और ज़ीनत यज़दानी ने इसका टाइटल बनाया। फिर ऐसा हुआ कि यह किताब मेरी सहाफ़ती सरगर्मियों के तले दबती चली गई और उसका मुसव्वदा प्रेस जाने की बजाय मेरे अखबारी मुसव्वदों के नीचे दबता चला गया। और तुमने तो फाड़ ही देने हैं पुराने ये खतूत, तुमने तो फाड़ ही देने हैं पुराने ये खतूत, इनको दरकार है जुस्तान यही रहने दो। इल्हाम की बात चली है तो मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। उस वक्त रुखसाना मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रही थी जब मैं उससे पहली बार मिला, तो मैंने उसे कहा कि देखो किताब छापते हैं, तुम्हारी शायरी की किताब छापते हैं। उन्हीं दिनों
मैं अपनी किताब की तैयारी में ही मसरूफ था। वो भी मेरी पहली किताब थी, आठवां रंग। जब वो किताब तैयार हो गई, छप गई, तो उसकी तकरीब रूनुमाई के लिए मैंने एक ब्रोशर छापा। वो ब्रोशर से जो पैसे जनरेट हुए उन्हें इकट्ठा करना मैंने रुखसाना नूर के जिम्मे लगाया और मैं कुवैत चला गया। मैंने उसे कहा कि ये पैसे जो तुम्हें मिलेंगे इन्हें अपनी किताब के लिए रखना और इससे हम तुम्हारी किताब छापेंगे। मगर जब मैं कुवैत से वापस आया तो मुझे मालूम हुआ कि रुखसाना नूर ने जो उस लम्हे रुखसाना आरजू थी किसी और शख्स की आरजू पूरी करने के लिए वो पैसे उसको दे दिए। वो उसकी सहेली थी जिसकी शादी रुकी हुई थी और उसने वो पैसे उस लड़की को दिए ताकि उसकी शादी हो जाए। और घर के बंटवारे में हर चीज तेरे हिस्से में, घर के बंटवारे में हर चीज तेरे हिस्से में, आज ये टूटा हुआ गुदान यही रहने दो। रुखसाना आरजू, मैं उसे अब रुखसाना आरजू ही कहूँगा। तो दोस्तों, रुखसाना आरजू ने अपनी किताब इल्हाम में से कुछ नज़में हिंदुस्तान के अजीम फिल्मसाज और शायर गुलजार को भेजी कि वो इस किताब के लिए फ्लैप लिखते हैं। अब सुनिए गुलजार की ज़ुबानी, वो लिखते हैं, रुखसाना की ख्वाहिश कि मैं उनकी किताब का फ्लैप लिखूं, उनकी मोहब्बत का सबूत तो है दानिशमंदी का नहीं। ना मैं फाजिल ना मैं नकाद, कड़छी भर नज़में भेज दी हैं और मुझे कहा है कि देख का अंदाज़ा लगा लीजिए। इस कड़छी में ये दाने नरम और खस्ता लगे मुझे। मैं 1,00,000 दिनों की बूढ़ी, तू बिन माँ के बच्चा है। मैं 1,00,000 दिनों की बूढ़ी, तू बिन माँ के बच्चा है। मेरा घर रस्तों की धूल, तेरा घर भी कच्चा है। और तुमको तो चाहिए बस झूठी कसम की खातिर, तुमको तो चाहिए बस झूठी कसम की खातिर, ताक में रखा हुआ ये कुरान यहीं रहने दो। ताक में रखा हुआ कुरान यहीं रहने दो। Be kind to yourself.